वेलकम बैक. और इफ यू आर न्यू हियर देन हाई एंड नमस्ते, आई एम श्रेया. और अभी कुछ दिनों पहले मैं गई थी एक सोलो ट्रिप पे, तो अगर आपने वो वाली वीडियोस, वो वाला व्लॉग नहीं देखा है, आई लिंक इट हियर. सो जाओ देख लो बिकॉज इट इज सुपर फन. आई मेट सो मेनी पीपल एंड इतने सारे लोगों से मैं मिली, इतने सारे नए नए जगहों पे हम गए. सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड हैव अ लुक. और अब जब ट्रिप की बात हो रही है, सो लेट मी शो यू माई स्किन. टैनिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट माई स्किन हैज बिकम सो ड्राई. लाइक आई कैन, अगर मैं ऐसे करूँ तो ये पूरा ऐसे अनइवन सा मेरे को फील हो रहा है एंड आई एम सो अनॉयड. कोई भी मॉइस्चराइजर मुझे हेल्प नहीं कर रहा है एंड मैंने कल अपने फेस पे घी लगाया था एंड दैट हेल्प्ड, बाय द वे दैट डिड हेल्प मी. एक जो कार्ड तो मैंने ये निकाल लिया है एंड अभी ये थोड़ा बेटर लग रहा है बिकॉज आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ सनलाइट, तो इस वजह से थोड़ा लग रहा है, बट दिस इज नॉट द रियलिटी. एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ होम रेमेडीज, तो मैंने एक अभी इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ के टैन रिमूवल फेस पैक का रेसिपी निकाला है विच आई विल मेक. सो चलो बनाते हैं. तो सबसे पहले मैंने डाला है एक स्पून बेसन, हाफ चम्मच कॉफ़ी एंड साथ में हम डाल रहे हैं हल्दी, वो भी हाफ स्पून. एंड देन आई एम पुटिंग सम हनी एंड हनी के बाद आई एम पुटिंग सम मिल्क. इसको अगर मैं स्मेल करूँ तो मेरे को ऐसे मिक्स्ड लाइक हल्दी और कॉफ़ी कैपेचिनो वाली सेंट आ रही है. बट एनीवेज मैं इसको लगाने वाली हूँ. आई रियली होप इट वर्क्स. नॉर्मली जो मैं लगाती हूँ वो काफ़ी हैवी होता है, बट दिस इज़ वेरी वेरी लाइट. मे बी बिकॉज मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है एंड नॉट कर्ड. सो वंस आई हैव अप्लाइड, नाउ आई एम गोइंग टू वेट फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स. बट क्या पहनूं मुझे समझ नहीं आ रहा. मेरे को इसको दिखाना है आउटफिट, मेरे को मैं अच्छी लगनी चाहिए ना, दैट्स द पॉइंट. व्हाइट कलर की जो मेरी पैंट्स है ना, वो पहन लूंगी. हेलो, सो आई जस्ट टुक शावर एंड दिस इज माय बेयर फेस. इट्स डेफिनेटली बेटर, पहले से तो काफी बेटर है. सो बाय द वे आई एम गेटिंग रेडी फॉर अ कॉन्सर्ट. इट्स कॉल्ड द इवेंट, इट्स कॉल्ड HT सिटी अनवाइंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो ये 3 दिन का इवेंट है और मैंने 2 हफ्ते पहले टिकट्स बुक करी थी एंड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट कि मैंने टिकट्स बुक करी है. सो आई एम गोइंग विद श्रुति अगेन. हाउ कैन शी नॉट बी इन अ व्लॉग. सो आउटफिट तो मेरा काफ़ी चिल एंड लो एफर्ट है, ज़्यादा मेहनत नहीं करी है मैंने बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू बी वेरी वेरी कम्फर्टेबल. और मैंने सुना है कि काफ़ी भीड़ भी होने वाली है, सो आई वॉन्ट टू बी ड्रेस्ड अकॉर्डिंगली. सो हियर आई एम अप्लाइंग माई वेरी वेरी एसेंशियल सनस्क्रीन. सो द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस इवेंट इज़ दैट कि गुरु रंधावा आ रहा है और काका, मैंने ज़्यादा गाने नहीं सुने हैं, मुझे बस एक ही गाना पता है, राधा श्री. सो जब मेरा मेकअप करने का मन नहीं करता बट आई नीड टू लुक प्रेजेंटेबल, द ओनली थिंग आई डू आई अप्लाई अ काजल. तो अभी मैंने ब्लू काजल निकाला है एंड आई जस्ट फील इट एनहांसेस माई लुक. Next thing I like to apply is a mascara because a kajal and a mascara go hand in hand. It is so pigmented. Aisa lagta hai bas main hi sharma rahi hu aas paas. The first time I applied this blush, mujhe pata nahi tha ki ye itna pigmented hai aur main normal insaan ki tarah बिना किसी रिसर्च के एक ड्रॉप यहाँ, लाइक प्रॉपर फुल ड्रॉप्स, हाँ एक ड्रॉप यहाँ लगाया था एंड जैसे मैंने ब्लेंड किया इट वॉज जस्ट ऑल ओवर माई फेस एंड आई लुक लाइक अ मंकी. सो उस दिन के बाद से बहुत ही आराम से थोड़ा सा लगाती हूँ यहाँ पे, बस ऐसे टच कर देती हूँ. एक्सेसरीज के लिए आई एम पेयरिंग दिस, इट इज सो क्यूट. इट्स क्यूट राइट, आई नो इट इज क्यूट. And this is my final outfit. And I'm carrying this yellow bag for a pop of color or satne flats because I want to be comfy today. मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मैं जब इंट्रो में बोल रही थी कि आई एम गोइंग विद श्रुति अगेन.
आधे गाने नहीं आते थे सो वी थॉट लेट्स जस्ट गो एंड हैव सम स्नैक उसके बाद फिर वापस जाएंगे सो हियर आई एम हैविंग चीजी फ्राइज एंड साथ में वाटरमेलन आइस टी व्हिच वाज एक्चुअली रियली वेरी गुड एंड प्रीटी डिसेंट साथ में वी आर हैविंग चिकन पॉपकॉर्न और ये सारा स्नैक्स खत्म करने के बाद हमने थोड़ा बहुत इधर उधर आस पास एक्सप्लोर किया एंड देन वी वेंट बैक अगेन टू द स्टेज एरिया सो लेट्स गो कॉन्सर्ट हो गया ओवर एंड नाउ वी आर हैविंग फ्रूट चिल आफ्टर दैट वी वर जस्ट हेडिंग बैक टू होम इट वॉज रियली वेरी फन बहुत मज़ा आया एंड स्पेशली आई लव द लाइटिंग एंड यू नो द एनर्जी एवरी वन वॉज हूटिंग एंड वाइबिंग सो इट वॉज रियली वेरी फन एंड नाउ हियर वी आर जस्ट हैविंग डिनर आई एम हैविंग सम कोल्ड कॉफी वी हैड फ्राइड राइस मोमोज एंड अदर रैंडम थिंग्स And this is pretty much it for this video. If you liked watching my vlog, don't forget to actually like it. And I will see you in the next one. Till then, bye-bye.